I would like to welcome Shri Kaizer Khalid. He is an officer of the Indian Police Service of the 1997 badge and an alumnus of Science College Patna and has trained at the Charles Stewart University, Parramatta, Australia and University College of London in the United Kingdom. तो वैल्यू क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि आपके अंदर कुछ इनबिल्ट कैपेबिलिटीज हैं, जिसको अगर आप डेवलप करें तो यू डेवलप योर वैल्यू। हमारे अंदर रैशनैलिटी है, वी आर रैशनल पीपल, हम लॉजिक में सोचते हैं, हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस गोल के साथ यहाँ पे आए हैं, हमारी लाइफ क्या है, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और जो काम मैं अभी कर रहा हूँ इज इट टेकिंग मी to that direction. You have to have that rationality to introspect. We have a sense of morality. If we exercise this sense of morality, you will be on the right path. ये जो है, ये बताने की जरूरत ही पड़ती है. It is within ourselves. वो campus जो है, हमारे अंदर मौजूद है. और उस campus को हम जरा से activate करेंगे, तो we will know कि what we should do and what we should not do. हम वो चाहते हैं कि हम वो काम करें, उसके करीब रहें जो हमको appeal करता है. आप एक चप्पल एक जूता लेने जाते हैं, उसमें भी आप पांच बार चल के देखते हैं, बिकॉज वी हैव एन एस्थेटिक सेंस। तो इन्फ्लुएंस जो होता है वो कैसे बिल्डअप होता है, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी से बिल्डअप होता है कि तुम सोसाइटी को कितना अफेक्ट कर सकते हो, एंड अफेक्ट इन व्हाट, इन टर्म्स ऑफ गुड, गिविंग बैक टू द सोसाइटी मैटर्स। एंड बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी कि जो आदमी रिटर्न नहीं करता है वो कितना ही पैसा कमा ले, उसके नेटवर्थ निगेटिव में रहे। तो अपने से आगे बढ़ के सेल्फ के बियॉन्ड तुम सोचोगे, then you grow as a human being. क्या आपके अंदर का जो वॉइस है, अगर आप उसको सहेज के नहीं रखेंगे, समेट के नहीं रखेंगे, उसको आप प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो एक दिन वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनजस्टिस जहां पर भी होगा वो रिलेशनशिप सस्टेन नहीं होगा। Have you ever thought कि हम जितने भी चीजें करते हैं उसमें जस्टिस है कि नहीं? कभी हमारे जहन में ख्याल आता है, कभी हम सोचते हैं इस बारे में कि दीवार की फाउंडेशन टेढ़ी हो जाए वो आसमान तक टेढ़ी जाएगी, हल्कपन से कोई चीज किया वो बहुत आगे नहीं जाएगा। हमको जस्ट रहना है, हमको फेयर रहना है और हमको इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, आसान है ना? इसके लिए किसी की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? कौन कर सकता है? हर आदमी। मेरा मैसेज यही है।